हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ग्लैमरस मेकअप लुक लेके आई हूँ और बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने मेकअप किस तरह से किया, जिसमें मैं किसी कलर करेक्टर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं यूज़ करूँगी कंसीलर्स का। ओके, कलर करेक्टर की जगह पर मैं कंसीलर्स का यूज़ करूँगी और जो आईज़ होंगी उसमें हल्का सा गोल्डन टच के साथ हम करेंगे इसे, और ग्लिटर नहीं देंगे, शिमर शेड से करेंगे। ठीक है, शिमर्स लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो बेस सेट यानी आईज़ ट्यूटोरियल इज डिफरेंट। ठीक है, आईज़ ट्यूटोरियल अलग से होंगे और आज आपको प्रॉपरली जो है हाई डेफिनेशन बेस कैसे सेट करना है वो मैं आज आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें CTM कर लेना होता है, क्लिनजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप सीरम लगाएं, मिसूसे की जो फेस ऑयल्स हैं वो लगाएं। अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते, मिसूसे ऑयली स्किन है या कुछ भी है, हाइड्रेटिंग सीरम्स लगा सकते हैं। ऑयली स्किन है तो भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमर से। प्राइमर को आपने जब भी लगाना है तो आपको इस तरह की फॉर्मेशन में इसको सर्कुलर मूव करके लगाना है, इस तरह की फॉर्मेशन में। स्लोली स्लोली आपको ये प्रोसेस करना है। आपको ये नहीं, प्राइमर जब भी हम लगाते हैं तो ये नहीं कि आपने पूरे हैंड पे लिया और क्रीम की तरह लगा लिया। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्राइमर को कम्प्लीटली स्लोली स्लोली लगाएं। ड्राई स्किन है तो ऑयल बेस्ड प्राइमर लगाएं। ठीक है, ऑयली स्किन है तो मैटी प्राइमर लगाएं जिसमें मैट होता है, और अगर कम्बिनेशन स्किन है तो आप हाइड्रेटिंग प्राइमर भी लगा सकते हैं। ऑयली स्किन वाले भी हाइड्रेटिंग प्राइमर लगा सकते हैं। ऑयली स्किन है तो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगा सकते हैं, और जो ड्राई स्किन है वो क्रीम बेस्ड प्राइमर लगा सकते हैं। तो ये जो हैं अलग अलग तरह के प्राइमर्स होते हैं जो आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली चूज़ करने होते हैं। एक होते हैं जेल बेस्ड प्राइमर। जेल बेस्ड प्राइमर जो होते हैं वो आप ऑयली स्किन वाले पर्सन भी लगा सकते हैं और ड्राई स्किन वाले पर्सन भी लगा सकते हैं। ठीक है, सिलिकॉन बेस्ड वाले जो प्राइमर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन वाले लगाते हैं, ड्राई स्किन वाले नहीं लगाते। मैंने यहाँ पे जेल बेस्ड प्राइमर का यूज़ किया है। कोई भी आप जेल बेस्ड प्राइमर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जेल बेस्ड प्राइमर ड्राई स्किन पे भी यूज़ हो जाता है, ऑयली स्किन पे भी यूज़ हो जाता है। अगर आपके पोर्स कौन स्किन पे होते हैं, ऑयली स्किन पे ज़्यादा ओपन होते हैं। अगर आपके पोर्स हैं तो आप पोर प्राइमर लगाएं। ठीक है, प्राइमर लगाने के बाद आप थोड़ा सा गैप दें, जैसे कि मैंने दिया है। ठीक है ना, जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ तब तक मेरा टाइम भी निकल रहा है, तो गैप आ जाता है, थोड़ा सा गैप दे। आज का जो मेकअप है वो मैं कर रही हूँ अपनी कंसीलर से, और मीन्स टू से कि कंसीलर का यूज़ करूँगी कलर करेक्टर की जगह पे। हाई कवरेज मेकअप करेंगे। डैम्प मैंने यहाँ पे ब्लेंडर लिया है, ब्लेंडर का हेल्प लूँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमें मेकअप करना है। जब भी हम कंसीलर्स का यूज़ करते हैं, बात ही करें कंसीलर्स की, जब भी हम कंसीलर का यूज़ करते हैं तो आपको हमेशा अपनी शेड से डार्कर शेड में कंसीलर चूज़ करना है। अगर आप पहले लगा रहे हो, अगर आप बाद में लगा रहे हो तो लाइटर शेड का कंसीलर चूज़ करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको कौन सा कंसीलर, जैसे कि मैंने लिया है यहाँ पे, ये मेरे सिर से थोड़ा सा डार्क है ना, डार्क है ना, आपको विजिबल हो रहा होगा, तो मैंने ये इसी वजह से चूज़ किया है। ये मेरी स्किन से डार्क कंसीलर है। ठीक है, क्रिलोन का है ये, यानी सुप्रा FS38 में यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। अब देखिए, अगर आपको आईज़ में क्रीज की प्रॉब्लम है तो आई क्रीम आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आई क्रीम सिर्फ और सिर्फ आईज़ के सराउंड लगानी है। और ये वाला जो कंसीलर है, जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, वहाँ पे लगाएंगे। आज मैं कोई भी कलर करेक्टर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और एक चीज़ और, अगर आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तब आपको ये भी नहीं लगाना है, कोई कलर करेक्टर भी। जैसे मेरी स्किन है, मेरी स्किन पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जस्ट आपको शो करने के लिए मुझे लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो वरना अदरवाइज़ जब मेकअप करती हूँ तब मैं इस तरह कंसीलर्स यूज़ नहीं करती हूँ। आपने देखा होगा कि जब भी मेरी पुरानी वीडियोस
जब से मैंने मेकअप का कोर्स स्टार्ट किया है तब से ही मैं ब्लेंडर्स और ब्रशेज़ का यूज़ कर रही हूँ। जब भी इससे पहले मैंने मेकअप की वीडियोस डाली थी ना, उसे मैंने कभी भी ब्लेंडर्स का यूज़ नहीं किया और कभी भी ब्रशेज़ का यूज़ नहीं किया। मैं फिंगर से ही ब्लेंड कर देती थी। ये आपने मैक्सिमम वीडियोस में मेरी पुरानी वालियों में देखा होगा। अभी मेरे पास 2-3 वीडियोस पड़ी हैं, वो भी मैं प्रोवाइड करूँगी। लेकिन उसमें भी मैंने जस्ट, जब मैं नॉर्मल मेकअप करती हूँ ना तो मैं कुछ चीज़ों यूज़ नहीं करती हैं। जब हम प्रोफेशनली बात करते हैं तो हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। जब हम प्रोफेशनली बात नहीं करते ना तो आप कोई बात नहीं जैसे मर्जी कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया है कंसीलर, और जिसको मैं अपनी अंडर आइज पे लगा देती हूँ। अगर आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। पिगमेंटेशन की अगर प्रॉब्लम है तो ये आपने लिया और ये मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने ब्लेंडर लिया है, ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे यहीं पे ही ब्लेंड कर देती हूँ। इस तरह से ब्लेंड कर देती हूँ, जहाँ पे भी है आपको इसी तरह से इसको लगाना है। ब्लेंड करते वक्त आपको ये जो कट वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को चूज करना होता है। आपको इसे ब्लेंड कर देना है, हल्का सा डार्क लेना है। एक शेड डार्क हो सकता है, 2 शेड डार्क हो सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे कोई पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये जस्ट आपके लिए है कि आपको अगर लगाना है, अगर आपको डार्क सर्कल्स या किसी तरह की प्रॉब्लम्स है तो आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, अब हम अपना पाउडर लेंगे, लूज पाउडर, और उससे हम इसे सेट कर देंगे। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि मैम, कुछ मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि वो ना हाइलाइटर पहले ही लगा लेते हैं, है ना, जैसे कि मैंने लगाया है हाइलाइटर। आप पहले, क्या हम हाइलाइटर पहले लगा सकते हैं और क्या इससे ग्लैम लुक आती है? देखिए, आती है ऑब्वियसली, हाइलाइटर है तो ग्लैम लुक तो आएगी ही आएगी। तो जब आप कंसीलर, अगर आपको ये स्टेप फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जस्ट इसको अपने जो ब्लेंडर है, जो भी आपका सेकंड स्टेप, यानी कि इसके बाद आपने अपना बेस सेट करना था, उससे पहले आप अपना हाइलाइटर लगा लें। सिर्फ हाइलाइट एरिया पे, पूरे पे नहीं लगाना है, सिर्फ हाइलाइट एरिया पे। क्या हम इस, उन्होंने कहा था कि क्या हम इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं? जी हाँ, आप ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है ना, पहले हाईलाइटर। लेकिन ये बात नहीं है कि आप बाद में हाईलाइट नहीं करोगे अपना फेस, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बाद में भी हाईलाइट करना होगा, बस ये है कि आपको इस एरिया में हल्का सा शाइन मिल जाएगा आपके फाउंडेशन के बाद भी। आप देख रहे हैं अभी मैंने कोई भी यूज़ नहीं किया है, कोई भी अपना फाउंडेशन या बेस नहीं लगाया है, मैंने हाइलाइटर लगा लिया, ठीक है। तो आप इस तरह से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, ये नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगा लिया, ठीक है। आप देख रहे हैं एक शाइन आ गई ना, है ना, एक शाइन जो है आपको विजिबल हो रही होगी, ठीक है। और इस तरह से आप लगा सकते। अब हम करते हैं अपना बेस सेट। बेस सेट करने के लिए मैंने जस्ट अपनी ही शेड का, जो है, जो मेरी शेड है, मैंने वो चूज़ करनी है। मैंने लिया है FS22 सुप्रा का, और इसको मैं इस तरह से अपने फेस पे लगा रही हूँ। देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपको नीचे कंसीलर था उसको हमने फिक्स किया है, ठीक है ना, उसको फिक्स ज़रूर करना है। अब मैं यहाँ पे अपना कंसीलर लगा रही हूँ, FS22 मैंने यहाँ पे लगाया है। अब जब मैं इसे लगा रही हूँ ना, जस्ट इसको डैप फॉर्मेशन में मैंने इसे लगाया। अब देखिए, मैंने एक साइड में लगाया है, मैं इसे ना ब्लेंड करती हूँ। अब आप देखिए, जब भी आपने, क्योंकि आपने नीचे कंसीलर लगाया था, आपने हाइलाइटर भी लगाया था, जब भी आप इसे ब्लेंड करोगे ना, आपने डैप फॉर्मेशन ही रखनी है, क्योंकि आपने हाइलाइटर भी किया हुआ है। अब जैसे देखिए, हमने हाइलाइट किया था तो उसकी जो विजिबिलिटी है हमारे इसके बाद भी नज़र आ रही है, हमारा इस स्टेप के बाद भी नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं ना, इसकी विजिबिलिटी नज़र इस स्टेप के बाद भी नज़र आ रही है ना, इसकी विजिबिलिटी जो हमने हाइलाइटर लगाया था सब पहले,
तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप हाइलाइटर नहीं लगा सकते, आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ज़्यादातर बाद में ही प्रेफर करती हूँ, लेकिन ऐसी बातें से बहुत अच्छा ग्लो आता है, इससे भी काफ़ी अच्छा ग्लो आता है। अब जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे अपनी शेड का, अब देखिए इसमें और इसमें कितनी कितना फ्लॉलेस लुक आया है। आप ये वाले पार्ट देखिए कितना फ्लॉलेस लुक आया है ना, कितना फ्लोइंग लग रहा है। और ये देखिए ये अनइवन है क्योंकि हमने यहाँ पे कंसीलर किया है, यहाँ पे हाईलाइट किया है। इसको मैं हल्का सा लूज पाउडर के साथ सेट कर लेती हूँ, इसको भी सेट कर लेते हैं, हमने सेट नहीं किया था ना, ये सेट करना बहुत ज़रूरी है, सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इस पे भी मैं सेम ऐसे ही अपने पूरे जो दूसरी साइड किया था इस तरह से कर। अब देखिए जब भी हम ये स्टेप करते हैं ना बेस सेट करने का, ये बेस सेट करने का स्टेप है, जब भी हम बेस सेट करने का स्टेप करते हैं एक चीज़ हमेशा याद रखें, कभी भी अच्छा दिखने के चक्कर में ओवर मेकअप ना करें। ओवर मेकअप बिल्कुल भी मत करें, यानी कि ओवर मेकअप मीन्स उसे एक्सेस प्रोडक्ट का यूज ना करें। अगर आप एक्सेस प्रोडक्ट का यूज करोगे ना तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ये एक चीज ध्यान रखना। एक्सेस में प्रोडक्ट बिल्कुल भी ना लगाए। आप सोचते हो कि हम एक्सेस में प्रोडक्ट लगाते हैं तभी हमारा मेकअप इतना अच्छा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है यार, हम एक्सेस में प्रोडक्ट्स नहीं लगाते हैं। देन अगेन इसको भी, अब देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले कंसीलर लगाया था, फिर हाइलाइटर लगाया था ना। अब आप इसको इस तरह से, आप इसको एक टाइम के लिए इसको इस तरह कर सकते हो, लेकिन यहाँ से जहाँ पे आपने नीचे वर्क किया हुआ है वहाँ पे आप बिल्कुल भी ना छेड़ें, बिल्कुल भी रिस्क ना लें, डैप फॉर्मेशन रखें, बिल्कुल भी रिस्क ना लें अपने मेकअप के साथ, आपको उसे छेड़ना नहीं है। हल्का सा इसको हमने किया है ब्लेंड। अब देखिए मैंने जस्ट कंसीलर हाईलाइट किया और हाईलाइट का जो फिनिशिंग है, जो शोइंग है, वो अभी भी विजिबल हो रही है मेरे फेस पे, हो रही है ना, जो मैंने हाईलाइट किया था अभी भी वो विजिबल हो रहा है मेरे चिक्स पे, कितना अच्छा हाईलाइट हो रहा है, कितनी अच्छी विजिबिलिटी आ रही है। इस वजह से हम पहले लगा लेते हैं, एक वो कह रहे थे कि मैंने बहुत सी वीडियोस में देखा है कि हम पहले हाईलाइट कर लेते हैं और एक ग्लास स्किन मिलती है हमें, तो ऐसा है आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, पहले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाद में ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद लेना है आपको अपना लूज पाउडर। लूज पाउडर का स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स अब हम ले रहे हैं हमारा लूज पाउडर, लूज पाउडर का स्टेप हमारा बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। लूज पाउडर से आपको अपने फेस को इस तरह से सेट करना है, लूज पाउडर से आपका फेस बहुत ज़्यादा फिनिशिंग में आ जाएगा। अब देखिए ये जो यहाँ पे मैंने अभी लूज पाउडर लगाया ना, मेरा फेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा ना थोड़ी चिपचिपाहट सी टाइप में है। आप अपना किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अपने ब्रश का यूज़ कर सकते हो। मैं अपना ब्रश से लूज पाउडर से सेट कर लेती हूँ, यहाँ पे हम लूज पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया अपना लूज पाउडर। देखिए जब आप लूज पाउडर यूज़ करते हो ना, आपके मेकअप में एक अच्छी सी लुक और शाइन और एक वेलवेटी टच आ जाता है और पता ही नहीं लगता कि आपने मेकअप भी किया है, ठीक है ना। तो लूज पाउडर का यूज़ ज़रूर करें, लूज पाउडर हमेशा आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो भी आप फाउंडेशन का यूज़ करें उस टोन का, और फाउंडेशन कौन सा है, फाउंडेशन कंसीलर जो भी यूज़ कर रहे हो वो आपकी स्किन टोन का होना चाहिए। एंड लुक एट दिस, मेरा मेकअप कितना फ्लॉलेस लग रहा है, आई रियली लव इट, ठीक है। लेकिन अभी मेकअप हुआ नहीं है, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है है ना, अभी तो हमने ये स्टार्ट किया है। तो आप देखिए कि तो मेरे को बहुत वेलवेटी टच लग रहा है, तो लूज पाउडर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, डोंट स्किप इट। लूज पाउडर की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप अपनी सेटिंग स्प्रेज का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं जो प्रेफर करती हूँ ना, मैं लूज पाउडर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सेटिंग स्प्रे मैं कब प्रेफर करती हूँ, जब मैंने फर्स्ट स्टेप किया था,
जब मैंने फर्स्ट स्टेप में कंसीलर उसके जगह पे आप सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर सकते हो, हाइलाइटर के सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लूज पाउडर, अपना जो फाउंडेशन है उसको सेट करने के बाद आपको लूज पाउडर का यूज़ ज़रूर करना है। अब हम चलते हैं अपने आई मेकअप पे और अपने फेस को हाईलाइट करने पे। तो सबसे पहले हम आई मेकअप देखते हैं हम प्रॉपरली। ये मैं इसकी पूरी ट्यूटोरियल्स देनी है मुझे अपने आई मेकअप की भी, इस वजह से मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और देखते हैं हमारा आई मेकअप लुक कैसा आया है। सो फ्रेंड्स, अब हमने कर लिया है अपना आई मेकअप डन। आप देख रहे हैं हमारा आई मेकअप कितनी ब्यूटीफुली हमने ये मेकअप किया है, बिल्कुल सोबर टच में, है ना, बिल्कुल सोबर टच में। अब हम कर लेते हैं अपने फेस को कॉन्टोर, हाईलाइट, ये सब कुछ हमारा रह रहा था, है ना, तो वो भी कर लेते हैं और वो भी कंप्लीट करते हैं। तो मैंने क्या लिया है, अपना यहाँ पे कंसीलर लिया है जिसको मैं अपनी अंडर आइज पे लगा रही हूँ इस तरह से। और मेरा ये जो एरिया है जहाँ पे मुझे हाईलाइट करना है उस सारे एरिया में मैं लगाऊंगी अपने कंसीलर। लाइट शेड, अब कौन सा, पहले हमने एक कंसीलर यूज़ किया था, वो कंसीलर हल्का सा दो शेड डार्कर में था, ये जो कंसीलर लिया है दो शेड लाइट लिया है, ठीक है। और कंसीलर के साथ ही साथ हम करेंगे अपना, पहले मैं इसको कर लेती हूँ ब्लेंड, इसका प्रॉपरली ब्लेंड कर लेती हूँ। जहाँ जहाँ मैंने कंसील किया है इसको मैंने ब्लेंड कर लिया, लूज पाउडर से सेट करने के बाद ये प्रोसेस कर रहे हैं हम, मेकअप को लूज पाउडर से सेट करना है। और इसके बाद हम कर लेंगे इसे बेक, इसको प्रॉपरली सेट करेंगे, ठीक है, प्रॉपरली इसे अब हम कर लेते हैं बेक। बेक करने के लिए मुझे लेना है अपना ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। ट्रांसल्यूसेंट पाउडर जो है हल्का सा वाइटिश टच में होता है, और इसको कर लेते हैं हम बेक। बेक करने के बाद आपने इसे हल्का सा थोड़े टाइम के लिए 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो तभी से रिमूव आउट कर दें, इस तरह से रिमूव करते हैं अगर आपकी ड्राई स्किन है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें, ये इजीली आपका निकल जाएगा, टिकता नहीं है ये, ठीक है ना, सेट हो जाएगा, एक वेलवेटी टच आ जाएगी आपके मेकअप में। अब कॉन्टोर कर लें, अब हमने कॉन्टोर लेना है अपना, कॉन्टोर और ब्लश करेंगे, ठीक है, कॉन्टोर लेना है। और कॉन्टोर को जस्ट पाउडर कॉन्टोरिंग कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे मैं डैप फॉर्मेशन में इसे कर रही हूँ, डैप फॉर्मेशन इस तरह से नहीं, डैप फॉर्मेशन में मैं इसे कॉन्टोर पाउडर लेना है, एक्सेस को रिमूव करना है। जब भी एक्सेस रिमूव करते हैं तो इस तरह से डैप करेंगे तो एक्सेस रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा हो गया कॉन्टोर, पाउडर कंट्रोल किया, यहाँ पे मैंने कंट्रोल नहीं किया, अब मैंने कंट्रोल किया है। और दूसरे साइड भी हम कर लेते हैं कंट्रोलिंग, कंट्रोल कंप्लीट करने का। कंट्रोल मैंने नोज पे नहीं किया, ठीक है, और अपने फोरहेड पे भी कर लेते हैं। नोज पे कंटूर करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको कौन सा बताया था, आपने अपना कंटूर लेना है, इस तरह से लगाना है, और इस तरह से आपको अपने नोज पे कर देना है। ये आपको सबसे इजी वे है कंटूरिंग का, नोज कंटूरिंग का, ठीक है। कंटूरिंग हमारी हो गई है, बिल्कुल कम की है, ज़्यादा नहीं की। ये जो पार्ट है इसको भी हम कंटूर कर लेते हैं, बिल्कुल कम, जितना जितना रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा करोगे ना तो एक्सेस में हो जाएगा, जितना रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्ट आपके फेस पर नज़र नहीं आना चाहिए, मेकअप इस तरह से करना होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड नेक्स्ट ब्लश, अपने ब्लश भी डैप फॉर्मेशन में लगाना है, इस तरह से डैप फॉर्मेशन में हम अपना ब्लश लगाएंगे। ब्लश को भी खींच के नहीं लगाना है, ठीक है, वरना
आप कहोगे कि पैच पड़ गया, गलत लग गया, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। सो प्लीज़, ये हमारा हो गया है ब्रश। हमने कंटूरिंग कर ली, ब्रश कर लिया, एक्सेस को रिमूव करके फिर लगाना है, वरना एक्सेस में आ जाएगा आपका ब्लश भी। अब हम चलते हैं हमारे हाइलाइटर की तरफ। अब आप कहोगे कि हमने पहले भी हाईलाइट किया था, है ना, किया था ना मेकअप करने से पहले, आपका ही क्वेश्चन था। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है, मैं कर लेती हूँ, कोई नहीं करता, कोई कर लेता है, मैं बाद में भी कर लेती हूँ, मैं पहले भी कर लेती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं हाईलाइट, ये जो एरिया है ना सी शेप में मैंने इसे हाईलाइट कर लिया। अब देखिए, ऐसा तो मैंने आपको एक बार हाईलाइट करके दिखाया था, जिसे मैंने अपना मेकअप फिक्सर का यूज़ करने के बाद हाईलाइट किया था, वैसे कर लीजिए। इस एरिया को हमने करना है प्रॉपरली हाईलाइट। इस तरह से अब देखिए और शाइन आ गई, यहाँ पे नहीं है ना अभी, तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं अपना हाईलाइट। ये वाला हाईलाइटर पहले हमने लिक्विड वाला किया था, अब मैं यूज कर रही हूँ अपना प्रेस्ड फॉर्म में जो हाईलाइटर है ना वो यूज कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, प्रॉपरली अपने फेस को हाईलाइट कर लें ब्लश के ऊपर, यानी कि जहाँ हमारा ब्लश किया है इससे ऊपर ये वाली जो चीज़ है ना इसे हाईलाइट करना होता है। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा ग्लैम सा लुक आ जाता है और बहुत अच्छी वाइब्स देता है। एंड सेंटर फोरहेड, दिस वन एंड दिस वन। तो ये हमने हमारा फेस हो गया हाईलाइट। अब हम अपने मेकअप फिक्सर का यूज़ करो, मेकअप स्प्रे का यूज़ करो, जो मर्जी यूज़ करो, हमारा तो मेकअप हो चुका है कंप्लीट। आप फिक्सर का यूज़ कर सकते हैं, मेकअप फिक्सर कर लो और ये आपका मेकअप कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह से आप प्रॉपरली ग्लैम लुक ले सकते हैं। अब देखिए, जो मेरी आईज़ मेकअप है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है, और मेकअप में भी एक बहुत ही अच्छा ग्लोइंग कवरेज मेकअप आया है ना। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर सीरम सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेकिन हमारे जो हेयर कोर्स है आप देख रहे हैं, मैंने एक हेयरस्टाइल ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हमारे हेयर कोर्सेज भी चल रहे हैं, आप वो भी देखिए। आपको हेयर स्टाइलिंग भी सीखनी चाहिए, आप सब कुछ सीखना चाहिए यार, ऐसे मत कीजिए कि नहीं सिर्फ मेकअप काफ़ी है, ऐसा कुछ नहीं। मेकअप में और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो ट्यूटोरियल्स मैं आपको देती हूँ वो ज़रूर करें। ट्यूटोरियल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना। ट्यूटोरियल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्यूटोरियल्स के बिना आप मेकअप में बहुत सारी चीज़ें स्किप कर जाओगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया है हमारा मेकअप। आप चाहें अपने हेयर्स को ओपन करें, आप चाहें तो अपने हेयर्स को क्लोज करें, जैसे कि मेरे देखिए मैंने अपनी बन किया हुआ है और जस्ट ऐसे ओपन करती हूँ, तो जिस तरह से मर्जी करें, बन बनाएं, जो मर्जी लुक ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारा आज का मेकअप बहुत ही स्टनिंग मेकअप हुआ है ना। बिल्कुल अपनी ज्वेलरी वेयर कीजिए, अपना दुपट्टा वेयर कीजिए, बहुत ही स्टनिंग लुक आएगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर सीरम सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।